रोहन सर रुचि सोया देखिए, देखिए रुचि सोया का एक तो डेटा काफी कम है, और जो जिस हिसाब से ये चार्ट है मैं ज्यादा कुछ इस पर कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसका जिस हिसाब से ये चार्ट लिस्ट हुआ था और जो भी इस पे खबरें आई थी, एक ही चीज मैं थोड़ी सी राय देना चाहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक अगर किसी ने लिया रहेगा बेस्ट रहेगा इस स्टॉक को एग्जिट कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये मुझे चार्ट दिखाई दे रहा है ये अचानक से ऊपर जाएगा अचानक से नीचे आएगा, क्योंकि डेटा इसका बिल्ड हुआ नहीं उतना और उसके कुछ फंडामेंटल रीजंस भी है, तो बेस्ट रहेगा कि अगर जिनके पास भी रहेगा और वो प्रॉफिट में है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करे और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक में फिलहाल के लिए ना सोचे, और भी दूसरे सारे स्टॉक्स और अच्छे सेक्टर्स हैं, जब हमें मिलेगा मौका हम जरूर मैं उसको डिस्कस करूंगा और वो स्टॉक आपको रिटर्न्स कमा के देंगे। तो ऑलरेडी अगर जिन्होंने इसका एफपीओ में अप्लाई किया रहेगा और वो सोच रहे हैं कि यही होता कि लो कि इस पर डेटा कम है तो टेक्निकली मेरी ज्यादा कोई इस पे राय नहीं बनेगी कि ये कौन से लेवल पे ब्रेकआउट देगा या कौन से लेवल पे ब्रेकडाउन देगा, बस एक ही राय रहेगी कि अगर प्रॉफिट में है तो निकल जाइए और अगर नई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो अवॉइड अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, नई इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें और अगर है एग्जिस्टिंग पोजीशन तो जब भी मौका मिले निकल जाएं। कारण यह है कि टेक्निकल डेटा कुछ खास है नहीं और जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो खबरें आती हैं वो बहुत इरेटिक हैं, बहुत अलग अलग तरीके की खबरें आती हैं और उसके चलते बहुत बड़े बड़े मोमेंटम, बड़े बड़े मूवमेंट दिखा देता है, तो उसमें आप परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए फिलहाल दूरी बनाए रखने की राय।